नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल करमेर, MSc एग्रीकल्चर। आज का हमारा वीडियो है फलों पर, यानी कि जैसे कि अमरूद के फल हुए या आम के फल हुए, इनको पक्षियों से बचाने का देसी जुगाड़। हम फलों को पक्षियों से कैसे बचा सकते हैं, जो कि हमारे पक्षी हमारे फलों पर अधिक हानि पहुंचाते हैं, यानी कि आधा खाकर तोड़ देते हैं, आधा खाकर बेकार कर देते हैं। तो इसे बचाने के लिए, फलों को पक्षियों से बचाने के लिए बिल्कुल देसी जुगाड़। आप देख सकते हैं, यह हमने बांधा हुआ है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अमरूद का ये हमारा बाग है, तो हम अमरूद के इस बाग में हैं। तो इस अमरूद के बाग में हमें पक्षियों से अमरूद को बचाने के लिए हमने एक देसी जुगाड़ बना रखी है। तो इस देसी जुगाड़ से हम क्या करते हैं, इसको हम ठोक देते हैं। इस तरह से जब हम इसे बजाते हैं या ठोकते हैं, आप देख सकते हैं, यह एक हमने टीन टांग रखा है। आप टीन की जगह कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि आवाज़ आए। तो हमने टीन ले लिया और हाथ से ठोक देते हैं। जो पक्षी यहाँ पर बैठने का एक टाइम टेबल उनका भी रहता है कि शाम को बैठते, दोपहर में बैठते। तो जब हम इसे कंटिन्यू 4-6 दिन इस तरह से हम बजा देते हैं, तो वो पक्षी डर जाते हैं और फिर नहीं आते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह जुगाड़ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, हम अमरूद को, ये हमारे अमरूद की पतली पतली शाखाएँ रहती हैं, अगर हम इस पर चढ़ के तोड़ेंगे तो यह हमारी शाखाएँ टूट जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, यह बनाया हुआ यंत्र है, देसी जुगाड़ है। तो इसमें हम फल को ऐसे बिधाकर तोड़ लेते हैं। किसी भी फल को तोड़ना है तो इसको बिधाकर तोड़ लेते हैं, जिससे कि हमारी यह पतली पतली शाखाएँ हैं बच जाती हैं और टूटती नहीं हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।